कोई बात नहीं, कम से कम इमरजेंसी है ये तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक्सटर्नल अग्रेशन कर रहा है उधर। आप डीजीपी का ही स्टेटमेंट है एवरीथिंग इज नॉर्मल है कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल डीजीपी के लिए होगा क्योंकि उनके घर पे फोन चल रहा है, उनके घर पे लैंडलाइन चल रहा है, घर चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल फॉर हिम, नॉट फॉर द पीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हेन यू सिट ऑन द चेयर नो, यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन व्हाट एवर यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। 108 days, and it's not even, I don't think it's even his decision, it's a political decision. I don't know why we have to defend that. For 108 days in this country, for entire state is shut down, ex-chief ministers are jailed, elected MPs are jailed, people, all sort of influencers are holed up in hotels and said you will not get out, mafia type behave kar rahe. Is that acceptable? अयोध्या का तो खैर अलग बात है, उसका जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में मतलब आई विल हैव टू गिव अ कमेंट ओनली आफ्टर आई रीडिंग इट। बट टाइटल सूट का सवाल था, इसमें मंदिर बनाने का जजमेंट कहाँ से आया मुझे नहीं पता। टाइटल सूट नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे, कलेक्टर वगैरह बनेंगे आप लोग, तो टाइटल सूट का मतलब होता है कि ये जमीन इसका है कि इसका, बस इतना है आपको तय करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस आया, ये इसका है इसका, आप बोलेंगे इसका है, ठीक है, बात खत्म हो गई, टाटा बाय भाई। वहाँ पे मंदिर बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, उसको क्या करना है उसका डिसीजन है, उसके लिए ट्रस्ट बनाओ 3 महीने के अंदर, उसके बाद मंदिर बनाना शुरू कर दो, ये सब सुप्रीम कोर्ट का मैटर ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल माई रेस्ट द इंटरनल, मतलब उसकी जजमेंट की बाकी डिटेल्स मुझे नहीं पता। आई एम नॉट सेइंग डिसीजन सही है गलत है, बट इस पे सिर्फ बाहर जाने की जरूरत ही नहीं था। एग्जीक्यूटिव डोमेन पे जो है उस पे, एग्जीक्यूटिव डोमेन भी नहीं था वो, दैट वॉज एक्चुअली प्राइवेट लैंड, गवर्नमेंट के लैंड भी नहीं है वो, प्राइवेट पार्टीज के लैंड है, उनको करना है नहीं करना है उनको डिसाइड करना है, बस उस पे छोड़ सकते थे। ये चीज बात वापस यही पे है। अभी जो है कश्मीर में, अब दोस्त आपका नाम क्या है, सॉरी नाम क्या है आपका, निखिल, निखिल वहां पे अभी कोई कर्फ्यू नहीं है, ठीक है, काफी दिन के बाद उन्होंने कर्फ्यू हटा दिया, 70 दिन के बाद वहां पे पोस्टपेड लागू किया था, वो भी बहुत ही पैची लागू किया है, और कर्फ्यू नहीं है, पर जनता जो है खुद बाहर नहीं आ रहा है। जनता ने बोल दिया सिविल डिसोबीडियंस, हम नहीं आएंगे, हमें नहीं चाहिए। सोचो ये सस्टेनेबल है, ये जो हम कर रहे हैं उधर, हल्का सा भी हो गया तो इट विल एक्सप्लोड। जिस तरीके से घुटन फेस कराते हैं ना, फील, दिक्कत यही है। We are dealing with human beings. We are not dealing with robots. We are not dealing with machines. We are dealing with human beings with emotions. इसलिए human rights का value है। कोई भी कुछ भी करते हुए, आप लोग भी कभी position of power में रहेंगे तो ये सोचना जरूरी है। You have to use force at times. At times जरूरी है कि आपको निकाल के एक law and order side से कहीं दूर रखना पड़े। अगर दो एक दूसरे के बीच में communal right हो रहा है तो जान बचाने के लिए हो सकता है आपको firing करना पड़े। सरकार के खिलाफ protest कर रहे हैं इसलिए firing मत करिए। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जनता के हक है, अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(b), इट्स अ राइट। तो इस तरीके से आप कितने टाइम करेंगे? इज देयर अ प्लान? ये अनएंडिंग है, ये चलता ही रहेगा। क्या पाकिस्तान बोलेंगे कि 6 महीने के बाद कोई बात नहीं, अब हम नहीं करेंगे, ऐसे आपको लग रहा है? तो फिर क्या प्लान है उनका? व्हाट इज अ प्लान? Life and liberty goes together, always. If a person is asked to choose between life and liberty, one of those, life or liberty, at that point of time itself, you should tell that the government is a failure, it is time for you to go, some other government may come, जो हमें दोनों दे सकते हैं। Development तो दूर की बात है, fundamental rights अगर आपको हमें दे नहीं सकते, तो आपको रहने का कोई हक ही नहीं है इस देश में। Fundamental rights अगर हमें ensure नहीं कर सकते, basic thing, so you don't have a right to govern, whatever be your mandate. That is a failure. And I'm sorry that people are... When I went to the NDTV interview also, same day, same statements came from there. It's not a question, it's a question of life. That day also I answered the same thing. Life does not come without liberty. You cannot put a person in jail and say that it is for saving your life that you have been put in jail. Tumko jail isliye thode na dala hai.
ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो तो आपको कहीं चीज़ें बोलेंगे, गवर्नमेंट विल ऑलवेज गिव जस्टिफिकेशन। ऐसे मान लो कल इधर बोलेंगे कि इधर भी आप मानेंगे, मान लो पाकिस्तान नहीं है, कल इसके जगह पे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ गया, जस्ट रिप्लेस पाकिस्तान विथ लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी एंड से दिस पॉलिटिकल पार्टी इज इंस्टिगेटिंग पीपल, ठीक है, टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड फाइट एंड यू नो व्हाट्सएप में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए 100 दिन ये करेंगे, सही है? अगर वो सही नहीं है तो वो कैसे सही हो सकता? हाँ आर्टिकल 370, आप मैं यही कह रहा था पहले, इसलिए मैंने इनसे पूछा आप पाना क्या चाह रहे थे, व्हाट इज इट दैट यू आर वांटिंग टू अचीव? इंटीग्रेशन, डिड वी अचीव इंटीग्रेशन? फॉरगेट अबाउट ऑल दैट, व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू अचीव बाय रिमूविंग इट? यू हैव टू बी क्लियर ऑन योर माइंड कि व्हाट इज, आप चाहते क्या था, क्या पाना चाहते थे? वो एक एक्ट है, दैट इज, ये पेन उठा के मैं इधर रख रहा हूँ, ये रखना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये है सवाल, पर उसके लिए मुझे पहले समझना पड़ेगा ना कि ये पेन उठा के इधर रखा क्यों, फर्स्ट आई वुड अंडरस्टैंड इधर रखा क्यों, तो क्यों रखना चाह रहे थे हम, व्हाट इज इट दैट वी वांटेड टू अचीव? उससे क्या हमें क्या मिल रहा था, उससे उनके स्पेशल स्टेटस था, उसको हटाने से हमें क्या मिल रहा था, हमारा एम क्या था? जस्ट लेट मी कम टू, तो सरकार लैंड लेना चाहते थे, क्या चाहता था? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिहार में क्या 370 है, तो बिहार में क्यों नहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है? झारखंड में 370 है, नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? पूरे देश में नहीं हो रहा है क्या, उधर है? और लैंड के रेस्ट्रिक्शंस कितने सारे जगहों पे है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, हिली स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, शेड्यूल्ड एरियाज में इधर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, तो अब चाहते क्या था उधर? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस डेवलपमेंट, या they had actually even more powers in Kashmir. PSA जैसे है वो तो और कोई स्टेट में है ही नहीं, दो दो साल तक जिसको जेल डाल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से। पासा था जैसे यहाँ पे, पता नहीं पासा है कि नहीं, उसमें 6 महीने तक है, दो दो साल तक, they already have more powers. What is the power that they did not want? It was their governor. What is it that they achieved? इंडिया चाहते थे कि कश्मीर में डेवलपमेंट आए, यही चाहते थे? इंडिया नहीं चाहते कि बिहार में डेवलपमेंट आए, इंडिया नहीं चाहते नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट आए, इंडिया नहीं चाहता झारखंड में आए, छत्तीसगढ़ में आए, मध्य प्रदेश में आए, महाराष्ट्र में आए, इंडिया को कश्मीर की डेवलपमेंट से इतना क्या पड़ी? और क्या डेवलपमेंट? इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज बस वेट कर रहे थे कि कश्मीर पे खाटी पे जहाँ पे 6 महीने जो है बर्फ के कारण जा नहीं सकता, उधर बस वो जमीन बेच दे, हम जाके खरीदे और वहां पे जो है मारुति का फैक्ट्री लगा दे। किसको बेवकूफ बना रहे? नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है इन्वेस्टमेंट? बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट टेरेन, इट इज नथिंग टू डू विथ, अभी आपको लगता है कि एक भी इन्वेस्टमेंट जाएगा उधर? अभी तो एप्पल ट्रेडर को तक मार रहे, वो ट्रक ड्राइवर्स को मार के, टेररिस्ट ने मार के फेंका था, क्यों था? बाहर के लोगों को टारगेट किया था, है ना? ऐसे में आपको लग रहा है बाहर से इन्वेस्टमेंट जाएगा उधर? वो तो छोड़ो इन्वेस्टमेंट, एप्पल जो हर साल खरीदता था उसको इस साल नहीं जाने दिया, हर साल जितना एप्पल वहां पे बेचता था उससे 1% से भी कम इस साल खरीदारी हुई, 1% से भी कम। क्यों? जो हम डिटैच होके ना एकदम थियोरेटिकल बातें करते हैं, हम भूल जाते हैं कि अब इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, जनता के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेरे जैसे जनता, फीलिंग होने वाले जनता, इमोशन वाले जनता,
जैसे आपको इमोशन होता है उतना ही इमोशन होता है उनका, और उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप डिटैच होकर कर रहे हैं, आपकी आपकी किसी भी अफेक्ट नहीं हुआ है, अब तो ऐसे उनके ऊपर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए बोल रहे हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें हो रही है। और जो आप डेवलपमेंट चाहते एसडीआई में देख लो, आप सिंपल ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगला 5 साल में हम कितना डेवलपमेंट करना चाहते हैं कश्मीर में, वट इज़ द डेवलपमेंट दैट यू वॉन्ट टू रीच इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, पूछना ज़रूरी है। जवाब जवाब इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, सवाल यू नो द क्वेश्चंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। डेवलपमेंट ओके, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इज देयर एन आंसर? नो। देन हाउ कैन वी से इट इज डेवलपमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हैज नेवर सेड दैट हम जीडीपी जो है इधर से हम इधर तक लेके जाएंगे, गवर्नमेंट हैज नेवर सेड एसडीआई जो है इधर से मैं इधर तक लेके जाऊंगा, कुछ नहीं बोला है, सिंपली बोला है कि डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट तो वैसे ही हो रहा था। बिकॉज यू टुक देर वॉज नो द थिंग वॉज दैट आपको ये पेन इधर रखना था इसलिए आपने इधर रखा, ठीक है, और कुछ नहीं था, इधर रखने का कोई रीजन नहीं था, उठा के इधर रख दिया। रखने के बाद आप इसके बारे में आप पूछो क्यों रखा, बोलेंगे इधर इधर एक ही पेन था, इधर पेन नहीं था इसलिए हमने इधर रख दिया, है ना, इधर ऐसे ऐसे हिल रहा था इसलिए दो पेन। देन यू आर स्टार्टिंग टू फाइंड आंसर्स बिकॉज यू एक्चुअली डोंट हैव एन आंसर। जब अब अभी मैं डेवलपमेंट बारे पूछूंगा तो टेररिज्म बारे बोलेंगे, टेररिज्म के बारे पूछेंगे तो वहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट में पूछेंगे एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में बोलेंगे, एससी एसटी रिजर्वेशन पूछेंगे तो आरटीई के बारे में बोलेंगे, आरटीई के बारे में पूछेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलेंगे, तक 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 ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं नोटबंदी के टाइम पे, ये पूरी जो साइकिल है ये चक्कर घुमाना है हमने कर चुका है, इसके बारे में इसके इसके बारे में इसके कभी पता नहीं किस बात के लिए किया है, जनता मरे क्यों, खड़े क्यों, इकोनॉमी के बैंड क्यों बजी, नौकरियां क्यों गई, किसी को पता ही नहीं क्यों, 3-3 महीने 4 महीने हो गए उधर जनता परेशान क्यों है, और कंप्लीटली खो चुके हैं हम कश्मीरियों को, खो चुके हैं इमोशनली, वो 15-20 साल और लगेगा अभी वापस आने में, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, पर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। और कौन ऐसे कौन बेवकूफ है कि लगता है कि 300 इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन के कारण उधर टेररिज्म था और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन हटाने से टेररिज्म कम हो जाएगा, टेररिज्म टेररिस्ट क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आता है क्या कि 370 है तो अटैक करना है, 370 नहीं है तो कोई बात नहीं हम नहीं अटैक करेंगे, क्या है ये, मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट वी आर गिविंग, ऐसा होता है क्या? नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस, देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट दैट यू काउंटर मी ऑल्सो, तभी मेरा भी थॉट प्रोसेस इवॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो हम भी सरकार जैसे बन जाएंगे, कुछ भी बोल के चला जाऊंगा फिर आप बोलेंगे क्या बोला। दे डिड नॉट क्रिएट एन इलेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देन दे क्रिएटेड एन इल्यूशन ऑफ डिमांड, ओके, नहीं नहीं मैं यही पूछ रहा था वहाँ पे काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए, हाँ अभी वापस हाँ ही बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि काला धन होता क्या है, बैठी बैठी प्लीज। उसके बाद जो है जब ये डिमांड क्रिएट करते हैं, अभी नया है घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, घुसपैठियों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स है यहाँ पे आए हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको बाहर निकाल देना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, है? चाहिए कि नहीं? फिर से सवाल नहीं पूछा आपने कि इन्फिल्ट्रेटर होता कौन है, ये दिमाग में डाल दीजिए, कौन है इलीगल इमिग्रेंट, हु इज इलीगल इमिग्रेंट, आप मेरे आप कलेक्टर हो इस डिस्ट्रिक्ट के, आपको बोल दिया गया कि इलीगल इमिग्रेंट को बाहर फेंक दो, कैसे करेंगे आप? पीपल विदाउट आइडेंटिटी, पीपल विदाउट आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मतलब डॉक्यूमेंट्स, अच्छा पीपल विदाउट डॉक्यूमेंट्स, तब यही मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं, ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं, अरे यही सवाल तो वही था, सवाल तो वही था, इलीगल इमिग्रेंट का डेफिनेशन करके मैंने पूछा,
इलीगल इमिग्रेंट को फेंक देना चाहिए नहीं चाहिए, बोला हाँ। इलीगल इमिग्रेंट है कौन? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने उसी सवाल को थोड़ा एक्सपैंड करके एक्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर करके बोला, इलीगल इमिग्रेंट्स को डेफिनेशन करके बोला कि ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंक देना चाहिए। जोर से बोलिए, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है या नहीं है कैसे डिसाइड करेंगे? इंडियन सिटीजन नहीं है या है कैसे डिसाइड करेंगे? आप कलेक्टर है, आपको डिसाइड करना है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? डॉक्यूमेंट। तो वापस वहीं पे आ गया ना हम, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हीं को हम बोलेंगे ना कि इंडियन सिटीजन नहीं है। जितना भी डॉक्यूमेंट 22 23 25 जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो चल रहा है, अलग चल रहा है कितना डॉक्यूमेंट है नहीं चाहिए उसका। अगर मैं कंडीशंस बताऊंगा तो और आप फंसेंगे। डॉक्यूमेंट सिंपल ऐसे रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट। तो सवाल ये है, ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंक देना चाहिए? जिनको मान लो 22 डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंक देना चाहिए? मैं बोल रहा हूं कि 22 में 22 भी नहीं है। मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास 22 की 22, मैं आज जला देता हूं सारे 22 की डॉक्यूमेंट, जला देता हूं, मेरे पास जितने हैं मैं जला देता हूं, मुझे उसके बाद बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंक देना चाहिए? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है सवाल, और कैसा डॉक्यूमेंट? 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट, आसाम में ये हुआ, मतलब 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट, 48 ईयर्स हो गया ना 71 से। तो अब मैं ये सवाल दोबारा पूछता हूँ, ऐसे लोग जिनके पास 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है, 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको बाहर फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंक देना चाहिए? हाँ कि नहीं? जोर से बोलिए, ऐसे किसको लगता है कि फेंक देना चाहिए? किसी को लगता, किसी को भी खुल के बोलिए, ऐसे कुछ गलत वो नहीं है, ऐसे किसी को भी लगता है कि जिन लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको भारत से बाहर फेंक देना चाहिए? सवाल वही था, कालाधन होता क्या है सवाल पूछते हम, तो हम नोटबंदी नहीं होते आज, अर्थव्यवस्था इस हालत में नहीं होती। किन के पास 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट नहीं होती? जो माइग्रेशन करते हैं, बिल्कुल, जिनके डिजास्टर होता है, बाढ़ होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आदिवासी लोग हैं, कई सारे लोग हैं जिनके पास अभी के डॉक्यूमेंट है, अभी भी बहुत मुश्किल से उन्होंने बनाया होगा, उसके पहले का डॉक्यूमेंट नहीं है। जो भाग के जाते हैं उनके पास, भाग के शादी करते हैं या नहीं, हाँ, तो जो भाग के शादी करते हैं हाँ उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। हाँ सही बात, क्या प्लान है कोई? डॉक्यूमेंट लेके भाग जाना यार, पहले घर पे बोल देना 50 साल के पुराने डॉक्यूमेंट दे दो, मैं भाग रहा हूँ, बाद में देश से ही भगा देंगे इन लोग। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ भाग के शादी करने वाली बात नहीं है। जो औरतें शादी करके दूसरे गांव जाते हैं ना, गांव से, वो 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते, शादी करके चले जाते बस। उनको पूछेंगे 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं लेके आ पाएंगे वो। तो किन के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता? गरीबों के पास नहीं होगा, जो माइग्रेट कर रहे होंगे उनके पास नहीं होगा, जो डिस्प्लेस्ड है, जिनके कोल्हापुर में बाढ़ आ गए होंगे, वो डॉक्यूमेंट कहाँ लेकर डूबे, वो भागे होंगे जो भी लेते होंगे वो। हाँ, जितने बिहार में देखेंगे, जितना भी डिजास्टर हुआ, केरला में जितना हुआ, मैं तो देखा हूँ पूरी की पूरी, मतलब बैंक्स तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बचाता। तो इन लोग सबको हम बाहर फेंक देना चाहते हैं? हम सवाल क्यों ही उठा रहे किसी के नागरिकता पे? और ये प्रूव करने का बर्डन, जैसे नोटबंदी में ये प्रूव करने का बर्डन इन सिटीजन के ऊपर क्यों था? सिटीजन के ऊपर क्यों था? सिटीजन को प्रूव करना था ना कि सफर किसने किया? सरकार थोड़ी ना सफर किया, सिटीजन ने सफर किया। अभी जैसे एनआरसी कह रहे हैं, आज भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान था कि पूरे देश में हम एनआरसी करेंगे, उसके कम्युनल एंगल भी है, मुसलमानों के अलावा बाकी सबको जो है कोई टेंशन नहीं लेने का बोलते हैं, क्योंकि उनको रेफ्यूजी के तौर पे सिटीजनशिप देंगे, तो पहले नागरिक को जो है रेफ्यूजी बनाएंगे, हमें जो है
पहले रिफ्यूजी बनाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बाद रिफ्यूजी बनाने के बाद आपको सरकार के ऑफिस पास जाके हम एप्लीकेशन देंगे तो हमें वापस नागरिकता मिलेगी रिफ्यूजी के तौर पे। इस देश के नागरिक पहले रिफ्यूजी क्यों बने? ऐसे हिम्मत कैसे किसी सरकार के हो सकता है कि इस देश के नागरिक को पहले रिफ्यूजी बनाए? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो बंदे के ऊपर अप्रूव करना कि मैं सिटीजन हूं, ये सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिटीजन अप्रूव करने का, तो बंदे के ऊपर डाल दिया सारी जिम्मेदारी। इंसान, हर इंसान जो है इंडिया के, वो प्रूव करेगा कि हम सिटीजन है। ऐसे किस कौन सी सरकार का पावर दिया है हमने डिसाइड करने के लिए यहाँ के नागरिक है या नहीं है, वो मैं सरकार को प्रूव करूँ? सरकार कौन होता है डिसाइड करने वाले? कि जनता जो है, मैं यहाँ पे रहने वाला इंसान मैं हूँ, उतना ही काफ़ी है कि मैं भारतीय हूँ, मैं रहता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ, उतना ही काफ़ी है कि मैं भारतीय हूँ। 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट लेके जाके प्रूव करने की, सरकार को प्रूव करने की तो कोई मतलब नहीं है। सरकार को लगता है कि 4 लोग इलीगल इमिग्रेंट है, जो करना है करें, जनता के ऊपर बर्डन ना डालें, मुझे प्रूव करने का वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके ऊपर। और क्या होगा, आसाम में 6 साल हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुआ, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, अपर लेट, ये वो, ये चलेगी कम से कम 20 साल और पूरा देश में। और सोचो पूरी की पूरी जनता इनसिक्योर होकर बैठेंगे, हमारे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्लर्क बोलेगा ये था उस डॉक्यूमेंट में लिखा था यू। असम में तो ऐसा था कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो पर जन्म होने के 1 साल के अंदर की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसके पास होता है? लोग परेशान हैं। हमें तो लगता है कि ये सब, वो जो सवाल पूछ लिया ना वो वाला छाती पे, वो ही है, घुसपेटियों को बाहर फेंक दो, बस फेंक दो, पता चलता है हम ही है घुसपेटी, तब समझ में आता है। जैसे कालाधन वाले में समझ में आया कि हम ही है, पूरा कालाधन हम ही नहीं लेकर रखा था, वो बाद में समझ में आया, हमारे बारे में ही बात कर रहे थे इतना टाइम पे। ऐसे इसमें भी बाद में समझ में आएगी, हमारे बारे में ही बात हो रही है कि हमारी नौकरी जो सिटीजनशिप है इसी पे सवाल उठा रहे हैं। टाइम सोचने की जरूरत है। ये सवाल ऐसे पूछते हैं कि आप हाँ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ ना बोलने की जरूरत नहीं है, उल्टा सवाल पूछिए कि होता क्या है। जब जैसे होता क्या है बोलेंगे ना, आप पता चलेगा कि इसकी खत्म हो गई बात, मैटरी कभी खत्म हो जाते हैं। दिस आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आई डोंट हैव अ टाइम, आई ऑलरेडी हैड अ लॉन्ग सेशन देयर। तो माय ओनली रिक्वेस्ट इज अलॉन्ग विद द यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, एस आई सी वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एस्पेशली फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर थिंग्स, एंड देर इज द नीड टू बी अवेयर, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ ड्यूटी एंड इट्स ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर वाट इज जस्ट बींग अ ये कर लो, ये पढ़ाई कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये जान के कोई फायदा नहीं है। आप आईएएस बनेंगे, कोई और बनेगा, कोई फर्क नहीं है। अगर आप आईएएस बन के फर्क हो तो आप एक अवेयर आईएएस हो, तब फर्क पड़ेगा, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जगह पे दूसरे बने तो। ओके या सर, कौन सी रेफरेंट ना? देखो, देश नेशन बिल्डिंग जो है बहुत सिंपल बात है, मेरे व्यू है, ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू है। ये नेशन बिल्डिंग जो है, इट टेक्स पर्सुएशन एंड इट टेक्स पेशेंस। ये जो फीलिंग है ना कि 70 साल में नहीं हुआ इसलिए अभी कुछ करना चाहिए, ये गलत है। वी हैव टू बी पेशेंट। हम कोई घर में भी दिक्कत होते हैं, अगर एक लड़ाई होते हैं, झगड़ा होते हैं, हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, ये नहीं कि तुरंत डाइवोर्स ले लो। हम ये क्या करते हैं, डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो भी वो भी बोलते हैं कि पहले काउंसलिंग करो, ये सब करते हैं ना पहले, उसके बाद उस पर जाते हैं। पहले ये तो ढंग से करें, अगर नहीं फेल होता है, फेल कंप्लीटली फेल हो ही जाता है, देन वी कैन सी, बट देर इज अ लॉट दैट वी कैन डू थ्रू नॉर्मल वेज बाय बीइंग पेशेंट, एंड देर वॉज अ पॉलिसी विच वॉज वर्किंग। इतने सारे यूपीएससी के जो तैयारी करके आए, शाह फैसल आए, अभी का श्रीनगर, बहुत सारे मेरे बैचमेट्स कई सारे आए, वाई दे केम? बिकॉज दे ट्रस्टेड द सिस्टम, दे ट्रस्टेड द सिविल सिस्टम, दे ट्रस्टेड द पोलिटिकल सिस्टम। वो क्यों, किस टाइम फ्रेम में आया सोचना, बर्बाद कर दिया। वो भी रेफरेंडम लेना चाहिए, सरकार रहना चाहिए कि नहीं, उस पर नहीं। ओके, थैंक यू।